ये हम इस वक्त हैं मसानी बैरेज पर, और आपको बता दें कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या जो आदेश आया है उसको लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि आपको बताएं यहाँ संगवाड़ी का बैरिकेड तोड़ करके जब किसान दिल्ली जाना चाह रहे थे तो मसानी बैरेज के पास प्रशासन द्वारा यानी कि फ्लाईओवर के नीचे इनको रोक दिया गया है, और यहाँ पर तमाम किसान उसी दिन से इकट्ठा हैं, और कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लेकर के बात करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ लोग हैं और कामरेड राजेंद्र जी हैं, तमाम बावल 84 के लोग भी हैं। एक बार जान लेते हैं जो कल फैसला आया है उसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। रामकिशन महलावत जी हमारे साथ हैं, महासचिव है। रामकिशन जी क्या कहेंगे कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कल आया है उसको आप किस रूप में देखते हैं, निर्देश दिए गए हैं कमेटी बनाने के? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इस मामले को केवल शांत करने के लिए है, इस मामले को लीगलाइज करके और लागू करने के लिए। सट्टे लगाया है हटा देंगे, एक मिनट उनके हाथ में लगाना हटाना, और जो भी चार लोगों की कमेटी बनाई है वो प्रो कॉरपोरेट है। गुलाटी साहब तो रिकमेंड कर चुके हैं इस मामले को, भाई जो ना इस तरह की जो ना खेती होनी चाहिए देश में, तो इनसे तो कोई उम्मीद नहीं की जाती। और हमारा कोई आदमी जो आंदोलनकारी है वो गया भी नहीं कोर्ट में, कोर्ट में कौन गया है किसके उस पर आया है ये तो हम नहीं कहते, लेकिन हमारा जो हमारी जो लड़ाई है वो सीधी सीधी सरकार से है और इन कानूनों को वापस करने की लड़ाई है कि वापस लिए जाएँ, और MSP की एक जो ना कानून नहीं उसको जमा पहनाया जाए, कानून बने कि जो भी तमाम फसलें हैं उसकी वो MSP से नीचे ना बिकें, उसको एक कानून का रूप दिया जाए, ये हमारी मूल रूप से मांग है। मूल रूप से मांग है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट अब इनको निर्देश देगा, क्या आप आंदोलन को इसको खत्म करेंगे? देखिए कोर्ट आपकी जो समिति के जो लोग हैं, हम तो कोर्ट में गए नहीं, कोर्ट में ना हम पार्टी हैं ना हम कोर्ट में गए हैं, ना कोर्ट को गंभीरता से ले रहे हैं। कोर्ट में गया है उसका पालन तो वो करेगा, हमारी लड़ाई शुरू से ही सरकार से है, और ये सरकार ने ही जो ना तीन कानून लेके आई है, सरकार ही MSP का कानून बनाएगी, इसलिए हमारी सीधी सीधी लड़ाई सरकार से है। सरकार से लड़ाई है, कामरेड राजेंद्र जी भी हैं और एडवोकेट है खुद, किस नज़रिए से देखते हैं एडवोकेट साहब आप, किस नज़रिए से देखते हैं? आप तो खुद भी वकील हैं, यानी कि आप भी लगातार हम देख रहे हैं आंदोलन में लगे हुए हैं, यहाँ भी हैं। बड़ा मतलब दुखदायी है और अचंभा भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम है और जिसके ऊपर जनता का एक भरोसा होना चाहिए, इस निर्णय से सुप्रीम कोर्ट के प्रति भरोसा कम हुआ है। उसका कारण यह है कि दो पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने दो बात की। नंबर एक, इन कानूनों के ऑपरेशन को स्टे किया है। मैं वकील हूँ, मैं जानता हूँ कि आज टेम्परेरी सट्टे है, कल वो स्टे टूट जाता है, वैकेट हो जाता है। आप प्रचार ये चला रहे हैं हमारे RSS के लोग कि स्टे हो गया अपने घर जाओ, जो इन लोग घर जाएंगे ये स्टे भी वैकेट हो जाएगा और एक कानून लागू हो जाएगा, तो इसलिए लोगों की मांग उसको रद्द करवाने की थी, जो सुप्रीम कोर्ट उस दिशा में आगे नहीं बढ़ा। नंबर दो बात कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, ये कमेटी जो बनाई गई है इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुँह से चीफ जस्टिस ने दो बात कही थी, एक बात ये कही थी हम कमेटी बनाएंगे जो न्यूट्रल होगी, पर कमेटी में जो चार आदमी लिए गए हैं उसमें एक अशोक गुलाटी तो इस पॉलिसी के बनाने वाले हैं, इस कानून जिसका हम विरोध कर रहे हैं, उसमें जो मान है उन्होंने तोमर को ज्ञापन दिया कि ये कृषि कानून लागू करो, और जो और बाकी हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है। तो जो लोग पहले बायस्ड हैं, पूर्व धारणा से ग्रसित है और लेख लिख करके ज्ञापन देकर कह रहे हैं अच्छे कानून है, वो कमेटी क्या किसानों की बात सुनने में सक्षम रहेगी किसी सवाल में? तो न्यूट्रल की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने की, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी बात को उसको निगेट कर दिया, उसको नकार दिया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PSINA जैसे लोग को ले सकते हैं, उन्होंने अपना नाम दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आज PSINA के कृषि विशेषज्ञ हैं, श्री VV गिरी के बेटे हैं, उनका एक अखबार में लेख छपाया कि ये MSP है ये और काले कानून है, अगर ये काले कानून लागू हो गए तो ये किसानों के लिए डेथ वारंट है, किसान तबाह हो जाएगा, उसको क्यों नहीं लिया गया जिस सुप्रीम कोर्ट ने उसका जिक्र किया था। तो सरकार ने क्या किया, सरकार बहुत ही चालाकीपूर्ण ढंग से किसानों की बातों का जवाब नहीं दे पा रही थी, 8-9 दौर की बातें हो चुकी थी, किसान नेता जो बात रख रहे थे सरकार चुप थी, तो किसान ने एक वाया चैनल लिया कि इन बातों को सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया जाए। किसान सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, सरकार के आदमी सुप्रीम कोर्ट में गए और किसानों के यूनियन को सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया गया, और ये
ये सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट देख करके कमेटी का किसान ना चाहते हुए भी उनके ऊपर इस वर्डिक्ट को थोप दिया गया कि आप इसको मानो, कल कमेटी फैसला देगी कि ये कानून सही है तो फिर गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, अब ये कानून सही है तो आप आंदोलन क्यों करोगे, सुप्रीम कोर्ट को तो आप मानो। तो क्या किसानों का बढ़ता दबाव था उसकी वजह से ये सब कुछ किया गया? किसान जो जन दबाव वो सरकार के ऊपर था, सरकार जन दबाव में घुटने टेक चुकी थी, अब उस जन दबाव को उन्होंने लीगलाइज करने का रास्ता टो लिया। और हुआ क्या, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के मेजोरिटी किसान अनपढ़ हैं, उन्होंने अपने अनुभव से ही तुरंत समझ लिया कि हमारे आंदोलन को दबाने की साजिश की गई है और आंदोलन और तेज हो गया। आज यहाँ भी सैकड़ों लोग और आ गए, गांव में चर्चा भी हो गई, आज हम खुद एडवोकेट्स ने रेवाड़ी में जुलूस किया है, हमने ये काले कानून फूके हैं आज, और हम वकील जो इकट्ठा होकर हमने ये कहा कि ये तो लीगलाइज करके आंदोलन को दबाने की बात है, अडानी अंबानी की रास्ता बिछाने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो क्या लगता है रामकिशन जी, दबाव बनाने के लिए किसानों पर इस तरीके की रणनीति का यानी कि आप देख रहे हैं? देखिए, इस आंदोलन को खुरदुरुस्त करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब सरकार के पास किसी बात का जवाब नहीं बना तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है, अपने लोगों को कोर्ट के माध्यम से जो ना, या इस तरह का यार सारा जो ना ये षड्यंत्र रचा गया है। और कोर्ट यदि वास्तव में निष्पक्ष उससे करता तो कहीं ऐसा लगता कि जो ना हमें न्याय मिलेगा, लेकिन चारों लोग वो दिए हैं जो इसके सीधे सीधे पैरोकार रहे हैं, इसलिए उनसे उम्मीद नहीं हो सकती। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, आपने उस बात को रखा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपके जो 40 संगठन हैं जो बात लगातार सरकार से चल रही थी, क्या उनके क्या निर्देश आए हैं, क्या इस आंदोलन को समाप्त करना चाहिए, क्या विवेचना चल रही है उसको लेकर के कोई रणनीति कोई हो? ये आंदोलन निश्चित रूप से तेज होगा। आज हमने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है अभी, और तमाम आसपास के लोग, तमाम राजस्थान के लोग, मध्य प्रदेश के लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन पैर पसार रहा है। और आंदोलन अब समझ लिया कि सरकार से हमने मुकाबला करना है तो डट करके करना पड़ेगा, इसलिए बड़े मजबूती के साथ किसान हुंकार भर रहा है और खड़ा हो रहा है। खड़ा हो रहा है, कैमरा पर्सन से कहेंगे, देखिए तमाम जो 84 के लोग भी हैं, और एक बार वो टेंट दिखाएं जो लगे हुए हैं, ये NH-8 है, सामने हम दिखा रहे हैं फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पे पुलिस ने यानी कि इनको देखिए किस तरीके से छावनी बना करके रोका हुआ है। एचआर न्यूज आपको लगातार ये दिखा रहा है, यहाँ से पल पल की खबरें, और भी लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। जनाब, आप किस रूम में देखते हैं जो ये कल जो कोर्ट का वर्डिंग आया है? कल जो कोर्ट ने काम किया, ये किसानों के सिर्फ मलहम लगाई है। किसानों ने शाम की उनकी मीटिंग बैठी, किसान इस आंदोलन को तेज करेंगे और नहीं वापस जाएंगे जब तक दिल्ली पे 26 तारीख को दिल्ली पे कूच करने के लिए तैयार हैं। पीछे से जन समूह तैयार हो रहे हैं, आ रहे हैं, लोग बाग दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, ना कि घट रहे हैं। और जैसे भी ये सरकार की लड़ाई, ना कि कोर्ट की लड़ाई, हमारी लड़ाई सरकार से है, सरकार से लड़ाई। जनाब, क्या लगता है कोर्ट का दबाव पड़ेगा आप लोगों पर? अब जैसे कोर्ट हमारे ऊपर कोई पड़ा नहीं, जैसे कोर्ट कहेगी कि भाई आपको NH-8 खोलना चाहिए, नहीं खोलेंगे कैसे, में आप शामिल होइए, हमें तो दिल्ली जाना है जी, दिल्ली जाना है, सारे रोक रहे हैं, मतलब सभी सब मतलब नहीं मानेंगे आप? नहीं मानेंगे, बिल्कुल कोर्ट से कुछ नहीं मानने वाले आप? सरकार ने रोक रखे हैं रास्ता तो देखिए झुकने को तैयार नहीं है। सीधा सीधा आज इन्होंने यहाँ पर एक ब्लड कैंप भी लगाया है, और हम इसको लेकर के अभी कुछ और भी बातें करेंगे। तमाम जो हमारे साथ लोग हैं, आड़तियों का फसलें बेचते हैं, वो आड़ती आप लोगों को किसान मानने को तैयार नहीं है कि आड़ती की व्यापारी वो अपने लाभ को देखता। आज वो सरकार के हिस्से हैं जिनकी आप बात करते हैं, राजस्थान जी की, वो सरकार के हैं, उसी के घटक हैं, इसलिए उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जाती। नहीं, आड़ती के तौर पे हम बात कर रहे हैं, हम वो पार्टी से किससे आड़ती जो जमीनी आड़ती है, जो एक किस्म से किसान को अपना भाई मानते हैं कि किसान से हमारी आजीविका है, वो निश्चित रूप से किसान के साथ हैं, वो सरकार पक्ष नहीं। मेरा सवाल ये है, आपको नहीं लगता जो आड़ती आप ही लोगों से कमा के खाते हैं, उन लोगों को यहाँ करके आपको एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में किसान है या नहीं है? घर बैठ करके जो मन में आया डिसीजन लिया और कैमरे पे बोल दिया, इसको आप किस रूम में देखते हैं? जो अपना फर्ज समझ रहे हैं वो आप भी रहे हैं, पंजाब के भी आ रहे हैं, हरियाणा के भी आ रहे हैं, लोकल भी आ रहे हैं, लेकिन जो कृतज्ञता दिखा रहे हैं किसान से आजीविका कमा करके और उनके विरुद्ध में बोल रहे हैं, वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं,
कहीं ना कहीं सरकार के घटक हैं, सरकार के जुड़े हुए लोग। नहीं, किसान आंखों में क्यों चस रहा है, मेरे समझ नहीं आ रही। जैसे आप लोग खाना खा रहे हो, मतलब लोग क्या चाहते हैं कि किसान भूखा मर जाए, आत्महत्या कर ले, जिस तरीके से कल भी हमने और लोगों से बातचीत की। किसान एक आत्मसम्मान वाली एक जमात है। ये किसान आत्मसम्मान के साथ जीता है और अपने कष्ट कमाई से वो अपने परिवार को और देश को चलाता है, वो अन्नदाता है। अब जो अडानी अंबानी हैं वो हराम के खाने वाले हैं, हमारी रोटी का निजीकरण करके वो हमको ये कह रहे हैं कि रोटी आप मांगोगे हमारे हाथ में रहेगी तब हम आपको रोटी देंगे। ये आत्मसम्मान किसी भी जो हमारे सम्मान को चोट पहुँचेगी, ये किसान किसी भी सूरत में कुर्बानी देंगे और इसको किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं हैं। लेकिन हम आपसे एक और सवाल कर रहे हैं, आप लोग बैठे हो, एक चीज आ रही है कि बोलो आपकी वजह से पूरा शहर परेशान हो रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है। और कल जब हमने बाजार में बात की कि आप लोग स्वयं दुकानदार बाजार में अतिक्रमण करके बैठे हो, आपकी वजह से कितना शहर आए दिन परेशान होता है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? शहर परेशान नहीं है, शहर हमारे लिए खाने दाने का सब प्रबंध करता है, अपने आप ही वो यहाँ भेज के जाते हैं। ये शहर वाले भेज रखे हैं, देखो ये पानी की बोतलें भेज के, सुबह चीनी के कट्टे आ गए, आलू आ गए, टमाटर आ रहे हैं, वो शहर व्यापारी ही दे रहे हैं। और वो ठीक है, उन पर क्या है, नंगी तलवार लटक रही है सरकार की, इसलिए वो सामने नहीं आ रही। अगर नंगी तलवार लटक रही कभी भी टूट के पड़ सकती है। अरनी शहर हमारे साथ है, आपने देखा होगा 8 तारीख को पूरा बाउल शहर बंद था, पूरे शहर ने योगदान दिया है, पूरे शहर ने योगदान दिया है, पूरा शहर बंद था, आपने तमाम देखा है। देखिए सरजीत जी हमारे साथ है, युवा चेहरा है बावल से, ये भी लगे हुए हैं, बातें कराना बेहद जरूरी है तमाम लोगों से, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग आंदोलन में खड़े हैं कहीं ना कहीं, और एक बात की जाती थी कि स्थानीय लोग इस आंदोलन में नहीं है, अहिरवाल के किसान इस आंदोलन में नहीं है, बावल 84 के लोग हम आपको लगा दिखा रहे हैं, राजेंद्र जी एडवोकेट हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम और ये बुजुर्ग हैं। अब इन चेहरों को देख करके कोई क्या कहेगा, घर बैठ करके जो लोग कमेंट करते हैं उन लोगों को यहाँ जमीनी स्तर पे आकर के एक बार देखना चाहिए, क्या कहेंगे, जमीनी स्तर पे आना चाहिए उन लोगों को या घर बैठ करके जो मन में सुनी सुनाई बातें आप। जमीनी स्तर पे हमारे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, आप देख रहे हो ट्रैक्टर भी हमारे काफ़ी खड़े हैं, और लोगों में जो कल ये जो डिसीजन आया था उसका कोर्ट का, ये सरकार ने दिया तो था किसानों को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन इससे किसानों में और जागरूकता आई है। झज्जर जिला, दादरी जिला, हरियाणा के 22 जिलों में लगभग किसान जिला वाइज मीटिंग कर रहे हैं और 26 तारीख की जो है दिल्ली की जो कूच है उसमें तैयारी में लगे हुए हैं, उससे किसानों में जोश आया है, ना कि उससे डाउन हुआ है। और किसान जो है, जैसे ही हमारे 40 संगठन हैं, जैसा भी आदेश देंगे हम उसकी पालना करेंगे, और किसानों ने तो हमेशा देश को बनाया है, इस देश को इस परिस्थिति में लाने का सबसे बड़ा योगदान किसानों का है। किसान आज बहुत ही जो है दुखदायक पड़ाव से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी अपने दुख को भूल करके यहाँ पे किसानों ने ब्लड डोनेट का कैंप लगाया हुआ है, ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया हुआ है, और ये वानगी है किसानों की, किस तरीके से किसान यहाँ खड़े हैं। पिताजी आप कहाँ से आए हैं? कोटा से, राजस्थान। लेकिन आपको तो कोई किसान मान ही नहीं रहे यहाँ के, अभी धुंधल क्या? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मैंने आपको, लोग कहते हैं किसान नहीं है यहाँ पर, किसान ही है देख ले भाई, ये बताओ आप मोदी जी की कोठी को कोई गिरवा मेल दे, पहले वो कहते भाई किराए के ऊपर दे रखे, बाद में गिरवा मेल दे, और मोदी जी को कितना दुख होगा, आओगा कि नहीं आओगा? आओगा कि नहीं आओगा, मेरे को पहले ये बताइए। लेकिन 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 हम नहीं, ये जिनको आप फसल बेचते हो, जो आप फसल पैदा करते हो, जहाँ जिन आड़तियों के पास ले जा करके बेचते हो, हाँ। वही आड़ती आप लोगों के साथ नहीं खड़े होना चाहिए ना, जबकि रोटी रोजी आप ही से उनकी जुड़ी हुई है, उनका पैसा आ रहा है, लेकिन लेकिन वो तो नहीं हो रहे ना, वो तो आप लोग जहाँ पे आओ मत आओ, मेरे को खर्चा फूल दे रहे हो, हर जिला सोच खर्चा आ रहा, जो सरकार मोदी जी की खैर है ना, जब भुखे सरकार मरते निकल जाएंगे काशकार, जब भुखे नहीं मरेंगे, जो 10 साल का राशन जमा करा हुआ, तो कल की बात का बाबा ने तोड़ कर दिया है, जिस तरीके का हमने सवाल उठाया था कि आड़तियों को जाना चाहिए, बाबा ने बता दिया, स्वयं आड़ती ही दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक आड़ती है जो शायद सत्ता से जुड़े हुए हैं, उनको इन किसानों का आंदोलन रास नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? बाबा ने तोड़ कर दिया, सभी वर्गों का हमें बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि इस सरकार से सभी वर्ग दुखी है, और सरकार इनसे टकराने की हिम्मत रखता है, आज हिम्मत के साथ डटा हुआ है, इसलिए सभी वर्ग किसान को आगे करके किसान के साथ लगे हैं। क्यों कि किसान की सारी व्यवस्था बदलने का भाग बनेगा, निश्चित रूप से सबका सहयोग होगा, और आज जो देश की दुर्गति इन लोगों ने की है, देश के ऊपर दुगुना कर्ज हो गया है, GST की मार है व्यापारी भाइयों पर, जो 49% FDI का विरोध करते थे, आज 100% FDI रेलवे में,
डिफेंस में, आज पूर्ण रूप से एजुकेशन में, रिटेल में, एग्रीकल्चर में, तमाम उसमें जो ना विदेशी पूंजी निवेश, और आए दिन रुपये का उन्मूलन हो रहा है। 56 पे था तो ये कहते थे कि देश की साख घट रही है, आज तो 75 पे पहुंच गया। पेट्रोलियम पदार्थों की आए दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन यहाँ देख लो 90 पे पहुंच रहा है पेट्रोल। लेकिन लेकिन एक सवाल उठता है ना, आप लोग अध्यादेशों के बारे में जाकर के क्यों नहीं लोगों को समझाते, या फिर जो सरकार कहती है बहुत अच्छा अध्यादेश है, आपके बीच आके क्यों नहीं समझा पाते? दो बात है, एक तो आप जैसे जो सोशल मीडिया की जो बात है वो किसानों की आवाज़ को जन जन तक ले जा रहे हैं, जो नेशनल मीडिया है वो गोदी मीडिया बन चुका है, वो करोड़ों अरबों रुपया दे करके हमारे पैसे नेशनल मीडिया को देकर सरकार अपने मुंह से अपनी बात कहवा रही है उनसे। इसलिए लोग जो सोशल मीडिया को नहीं देख पाते हैं वो समझते हैं सरकार जो कह रही है वही बात सही है, परंतु सोशल मीडिया ने इस देश को जगा दिया है और लोग जागे हुए हैं, और लोग इस आंदोलन में, मेरा ये अनुभव है, मैं लंबे समय तक आंदोलन का एक सिपाही रहा हूँ, जो आंदोलन लंबा होता है आंदोलन में निराशा हताशा आनी शुरू हो जाती है, लोग घरों को जाना शुरू हो जाते हैं। यह हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहला आंदोलन है, जो लोग हर रोज़ आंदोलन बढ़ रहा है उतने ही लोगों की संख्या और लोगों का उत्साह और जोश भी बढ़ता जा रहा है। नहीं, एक और चीज़ आ रही है भैया, आपके आंदोलन में किसानों की संख्या कम है, क्या लगता है इसका रीजन क्या? क्या ट्रेनें बंद हैं, बसें बंद हैं, कोरोना काल चल रहा है, इसकी वजह से कम है, या क्या क्या किस रूप से देखते हैं? क्योंकि कहते हैं हरियाणा और पंजाब का ये, उड़ीसा का क्यों नहीं है, बिहार का क्यों नहीं है, उत्तराचल का क्यों नहीं है? किसानों की संख्या बढ़ रही है, और हमारे जो दक्षिण भारत के लोग, मध्य भारत के जो रेलवे से आते हैं, जो सामान्य ट्रेन से, पैसेंजर ट्रेन से आते हैं, वो पैसेंजर ट्रेन इन्होंने जानबूझ करके रोकी हुई है, कल चलाएंगे और निश्चित रूप से दिल्ली आएंगे। और बताऊं आपको मैं कि आज ये देश में आज़ादी बचाने का जो ना एक बहुत बड़ा आंदोलन है, ठीक है किसान का आंदोलन, किसान क्रांति है, लेकिन ये वास्तव में तो एक देश को जगाने की क्रांति है, क्योंकि आए दिन देश के तमाम वो प्रतिष्ठान जो लाभ में थे, जो 70 साल में खड़े किए हैं, जिसमें आम आदमी का खून पसीना लगा है, उनको ये कोड़ियों के नाम अपने चंद पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं, ये सीधा सीधा इस देश को बेच रहे हैं, इसलिए देश को नहीं बिकने देंगे जो कहते थे ना, लेकिन आज ये देश बेच रहे हैं। कभी चाय भी अच्छी होगी, लेकिन आज ये निश्चित रूप से देश बेच रहे हैं, और देश पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं, इसलिए पूरा देश खड़ा हो रहा है, सारी इनकी जालसाजी समझ रहा है देश। तो आपको लगता है जो अध्यादेश में खामियां हैं वो जाकर के आप गांव-गांव डोर टू डोर, यानी कि अहिरवाल का कहता है कि सैनिकों की खान है, किसानों की खान है, यहाँ देश की सीमा पर सबसे ज्यादा अहिरवाल के लोग हैं, आप क्यों नहीं उनको जागरूक कर पा रहे, क्यों नहीं समझा पा रहे उन सबको? देखिए, यहाँ राजनीतिक गुलामियत रही है, लेकिन आम आदमी कभी गुलाम नहीं रहा, आम आदमी जू जू समझ रहा है सारी साजिश है, जू जू इस हालात को समझ रहा है, जू जू उसके ध्यान में आ रहा है कि खेती सीधी सीधी कॉरपोरेट के हवाले की जा रही है, तो यहाँ का आम आदमी, यहाँ का किसान भी खड़ा हो रहा है। तो ये हमने आपको दिखाया मसानी बैरेज के पास से, तमाम जो लोग हैं कैमरा पर्सन से कहेंगे देखिए झंडे दिखाएं तमाम, कितना बड़ा, यानी कि यहाँ टेंट लगा हुआ है, आपको बता 2 किलोमीटर तक इसी तरीके से किसानों का कारवा है, कोई राजस्थान से है, कोई कहीं से है, अलग अलग राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं, तमाम हम आपको दिखा रहे हैं, 82 के भी लोग हैं, ये स्थिति आपको दिखाना बेहद जरूरी था, जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं कि इनमें किसान नहीं है, और किसानों की जुबानी भी हम आपको सुना रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR News।